नमस्कार दर्शकों, न्यूज टुडे के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है, जहां हम चर्चा और विश्लेषण करते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरों का। आज की मुख्य सुर्खियां इस प्रकार हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एनजीओ के विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम यानी FCRA पंजीकरण की वैधता 30 जून तक बढ़ा दी है। FATF के अनुसार कई देशों ने अभी भी वर्चुअल एसेट्स के दुरुपयोग को रोकने वाले उपायों को पूरी तरह से लागू नहीं किया है। दिल्ली के संकटग्रस्त या दुर्लभ देशी प्रजाति के वृक्षों की सैंपलिंग उत्पन्न करने के लिए टिश्यू कल्चर लैब स्थापित की जाएगी। सूखे की वजह से इलायची की खेती संकट का सामना कर रही है। वाइकॉम सत्याग्रह के 100 वर्ष पूर्ण हुए। खाद्य और कृषि संगठन FAO ने अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष IYM के समापन समारोह का आयोजन किया। चलिए अब खबरों की चर्चा विस्तार से करते हैं और सबसे पहले रुख करते हैं आज की पहली मुख्य खबर की ओर। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एनजीओ के विदेशी अंशदान विनियम अधिनियम FCRA पंजीकरण की वैधता 30 जून तक बढ़ा दी है। आपको बता दें कि उन सभी FCRA पंजीकृत गैर सरकारी संगठनों के पंजीकरण की वैधता बढ़ा दी गई है, जिनके पंजीकरण नवीनीकरण के आवेदन अब भी विचाराधीन है और जिनके पंजीकरण की वैधता 30 जून से पहले समाप्त हो रही है। आइए सबसे पहले FCRA के प्रमुख प्रावधान क्या है ये जान लेते हैं। पंजीकरण की बात करें तो जो NGOs विदेशी दान प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें गृह मंत्रालय के तहत पंजीकृत होना होगा। यह पंजीकरण 5 वर्षों के लिए वैध होता है। इसके बाद नवीनीकरण के लिए आवेदन किया जा सकता है। गौरतलब है कि FCRA पंजीकरण स्पष्ट सांस्कृतिक, आर्थिक, शैक्षिक, धार्मिक और सामाजिक गतिविधियों से संबंधित व्यक्तियों या संघों को दिया जाता है। प्रतिबंध की बात करें तो चुनावी उम्मीदवार, किसी समाचार पत्र के संपादक या प्रकाशक, न्यायाधीश, सरकारी कर्मचारी आदि को विदेशी दान प्राप्त करने से प्रतिबंधित किया जाता है। जो संगठन विदेशी दान प्राप्त करते हैं, उन्हें अधिनियम के विनियमों के अनुसार और निर्धारित उद्देश्यों के लिए ही उसका उपयोग करना होता है। रिपोर्टिंग के संदर्भ में बात करें तो विदेशी दान प्राप्त करने वाले संगठनों और व्यक्तियों को वार्षिक रिटर्न दाखिल करना भी आवश्यक है। साथ ही वे किसी अन्य NGO को धनराशि हस्तांतरित नहीं कर सकते। चलिए अब FCRA का विकास क्रम जान लेते हैं। 1969 में संसद ने देश के आंतरिक मामलों में विदेशी शक्तियों के प्रभाव को लेकर चिंता व्यक्त की थी। 1976 में आपातकाल के दौरान FCRA 1976 पारित किया गया था। 2010 में विदेशी धन के उपयोग पर कानूनी सीमाएं आरोपित करने और राष्ट्रहित के लिए हानिकारक गतिविधियों हेतु उनके उपयोग पर रोक लगाने के लिए FCRA 2010 लाया गया था। और 2020 में NGOs द्वारा विदेशी धन की प्राप्ति और उपयोग पर सख्त नियंत्रण एवं निगरानी के लिए FCRA 2010 में संशोधन किया गया। FCRA के महत्व के बारे में बात करें तो FCRA विदेशी दान को विनियमित करता है। यह अधिनियम सुनिश्चित करता है कि ऐसे दान से आंतरिक सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े। इसके अलावा यह NGOs व अन्य संगठनों के पंजीकरण और उनके द्वारा विदेशी दान प्राप्त करने की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करता है। इसके साथ ही यह सुनिश्चित करता है कि विदेशी दान वैध स्रोतों से प्राप्त किया गया है और किसी भी व्यक्ति या संस्था द्वारा वैध उद्देश्यों के लिए उपयोग किया गया है। चलिए रुख करते हैं अगली मुख्य खबर की तरफ। FATF के अनुसार कई देशों ने अभी भी वर्चुअल एसेट्स के दुरुपयोग को रोकने वाले उपायों को पूरी तरह से लागू नहीं किया है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF ने वर्चुअल एसेट्स और वर्चुअल एसेट्स सर्विस प्रोवाइडर्स यानी VASPs पर अपने मानकों के कार्यान्वयन को मजबूत करने के लिए फरवरी 2023 में एक रोड मैप पर सहमति व्यक्त की थी। वर्चुअल एसेट्स यानी क्रिप्टो एसेट्स वास्तव में ऐसे मूल्य का डिजिटल रूप है जिनका डिजिटल रूप से व्यापार, अंतरण या भुगतान के लिए उपयोग किया जा सकता है। इसमें फिएट मुद्राओं यानी कागजी मुद्रा या सिक्कों का डिजिटल रूप शामिल नहीं है। वर्चुअल एसेट्स काफी हद तक विनियमित नहीं है, इनके मूल्यहीन होने की भी आशंका बनी रहती है। साथ ही ये साइबर हमलों और ऑनलाइन स्कैम्स का भी शिकार हो सकती हैं। वर्चुअल एसेट्स के लिए FATF के देशों और वर्चुअल एसेट्स सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए जारी किए गए मानकों के बारे में समझते हैं।
सबसे पहले बात करते हैं देशों के लिए जारी किए गए मानकों के बारे में। यह आवश्यक है कि वे वर्चुअल एसेट्स सेक्टर के मामले में मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्त पोषण से जुड़े खतरों को समझें, VASPs को लाइसेंस या पंजीकरण प्रदान करें और इस क्षेत्र की निगरानी भी वैसे ही करें जिस तरह वे अन्य वित्तीय संस्थानों की निगरानी करते हैं। अब बात करते हैं वर्चुअल एसेट्स सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए जारी किए गए मानक के बारे में। ये आवश्यक है कि वे भी ऐसे निवारक उपाय लागू करें जैसा कि अन्य वित्तीय संस्थान लागू करते हैं। इनमें किसी ग्राहक के बारे में पूरी सावधानी बरतना, रिकॉर्ड रखना और संदिग्ध लेन देन की रिपोर्टिंग शामिल है। एसेट्स का अंतरण करते समय वे एसेट्स के स्रोत और अंतरण प्राप्त करने वाले लाभार्थी के बारे में जानकारी प्राप्त करें, उसका रिकॉर्ड रखें और सुरक्षित लेन देन को बढ़ावा दें। FATF का सदस्य देश होने के नाते भारत ने भी कई पहलें शुरू की हैं, जैसे कि VASPs का पर्यवेक्षी निरीक्षण किया है या अपनी वर्तमान निरीक्षण योजना में इन्हें शामिल किया है। कई VASPs के खिलाफ प्रवर्तन कार्रवाई या अन्य पर्यवेक्षी कार्रवाई की है और VASPs के लिए यात्रा विनियमन संबंधी विधेयकों को पारित किया है या नियम बनाए हैं। चलिए अब बढ़ते हैं आज की तीसरी मुख्य खबर की तरफ। दिल्ली के संकटग्रस्त या दुर्लभ देशी प्रजाति के वृक्षों की सैंपलिंग उत्पन्न करने के लिए टिश्यू कल्चर लैब स्थापित की जाएगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह टिश्यू कल्चर लैब असोला भट्टी वन्य जीव अभ्यारण्य में स्थापित की जाएगी। इस लैब में हिंगोट, खैर, बिस्तेंदु, सिरी, पलाश जैसी वृक्ष प्रजातियों की सैंपलिंग तैयार की जाएगी। चलिए अब प्लांट टिश्यू कल्चर यानी पादप उतक संवर्धन के बारे में विस्तार से जान लेते हैं। यह कीटाणु रहित वातावरण और अनुकूल नियंत्रित भौतिक परिवेश में सिंथेटिक मीडिया के उपयोग से अविभेदित पादप कोशिकाओं, उतकों या अंगों को उपजाने की एक विधि है। दूसरे शब्दों में उतक संवर्धन के तहत पादपों के एक्सप्लांट के छोटे हिस्सों को कीटाणु रहित वातावरण में पोषक तत्वों के उपयोग से संवर्धित किया जाता है। आपको बता दें कि यह प्रक्रिया पादप कोशिकाओं की टोटिपोटेंसी विशेषता का उपयोग करती है। गौरतलब है कि टोटिपोटेंसी पादप कोशिका की किसी भी प्रकार की विशेष कोशिका में विभाजित और विभेदित होने की क्षमता होती है। आइए अब प्लांट टिश्यू कल्चर के प्रकार जान लेते हैं। पहला है ऑर्गन कल्चर। इसके लिए पादप के किसी भी भाग जैसे जड़, तना, पत्ती और फूल का इस्तेमाल संवर्धन उद्देश्य के लिए एक एक्सप्लांट के रूप में किया जाता है। इसके अलावा है सीड कल्चर। इसके तहत एक्सप्लांट उन पादपों से प्राप्त किए जाते हैं जो पहले से ही इन विट्रो स्थितियों में संवर्धित और उगाए गए हैं। और अंत में एम्ब्रियो कल्चर। इसके अंतर्गत भ्रूण को पृथक करके इन विट्रो स्थितियों में संवर्धित किया जाता है। प्लांट टिश्यू कल्चर के उपयोग की बात करें तो इसका उपयोग रोग मुक्त पादप विकसित करने में, पादपों को तेजी से बढ़ाने में और कृत्रिम बीजों का बड़े स्तर पर निर्माण करने में आदि किया जाता है। चलिए अब प्लांट टिश्यू कल्चर के समक्ष जो मुख्य चुनौतियां हैं उनके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहली चुनौती की बात करें तो इसके लिए देश में पर्याप्त अवसंरचना का अभाव है। इसके अलावा इस कार्य के लिए कुशल लोगों की कमी है और जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांतों के बारे में वैज्ञानिक ज्ञान का अभाव है आदि। चलिए अब बढ़ते हैं आज की चौथी मुख्य खबर की तरफ। सूखे की वजह से इलायची की खेती संकट का सामना कर रही है। सबसे पहले बात करते हैं इलायची या कार्डमम के बारे में। ये पादप की एक मोनोटाइप प्रजाति एलेटेरिया से संबंधित है। ये प्रजाति उष्णकटिबंधीय इंडो मलाया क्षेत्र में पाई जाती है। इलायची पश्चिमी घाट के सदाबहार वर्षा वनों का एक स्थानिक या नेटिव पादप है। इसकी खेती मुख्यतः केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में की जाती है। इसके लिए आवश्यक जलवायु दशाओं पर भी एक नजर डालते हैं। इलायची की खेती के लिए 1500 से 2500 मिलीमीटर तक की वर्षा आवश्यक है। साथ ही तापमान 15 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच होना चाहिए। इसके लिए समुद्र तल से 600 से 1200 मीटर तक की ऊंचाई और अम्लीय वनीय दोमट मृदा की आवश्यकता होती है। चलिए अब समझते हैं इलायची की खेती के समक्ष आने वाली चुनौतियों के बारे में। ये अत्यधिक जलवायु संवेदनशील पादप है। इसके अलावा इसकी खेती किसी विशेष क्षेत्र में ही की जा सकती है, हर जगह नहीं। इसका पौधा अधिक ऊंचाई पर होता है।
इस वजह से इसके उत्पादन क्षेत्र का विस्तार करने की कम संभावनाएं होती हैं और कीट एवं फसल रोगों से प्रभावित होने की आशंका भी बनी रहती है। विश्व बैंक के अनुसार साल 2021 में भारत इलायची का दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक देश था। सबसे बड़ा निर्यातक ग्वाटेमाला था। इलायची की खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा शुरू की गई पहलों को समझते हैं। स्पाइस बोर्ड किसानों को ऐसे क्षेत्रों में भी इसकी खेती करने को बढ़ावा दे रहा है जहां पारंपरिक रूप से इसकी खेती नहीं की जाती है। बोर्ड ने इलायची के लिए मानक परिचालन प्रक्रियाएं यानी SOPs भी तैयार की हैं। इसमें उत्पादन से लेकर विपणन तक के सभी पहलुओं को शामिल किया गया है। इलायची के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए स्पाइस पार्क्स में कॉमन प्रसंस्करण सुविधाओं के लिए अवसंरचना विकसित की जा रही है। साथ ही मसाला प्रसंस्करण में अत्याधुनिक तकनीकों को अपनाया जा रहा है। खबर के आखिर में एक नजर डालते हैं स्पाइस बोर्ड भारत के ऊपर। इसे मसाला बोर्ड अधिनियम 1986 के तहत 1987 में गठित किया गया था। इसका मुख्यालय केरल के कोचीन में है। ये एक स्वायत्त निकाय है। ये 52 अनुसूचित मसालों के निर्यात संवर्धन और इलायची की खेती के विकास के लिए काम करता है और इसका संबंधित मंत्रालय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय है। चलिए अब बात करते हैं आज की अगली मुख्य खबर के बारे में। वाइकोम सत्याग्रह के 100 वर्ष पूर्ण हुए। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वाइकोम सत्याग्रह की शुरुआत त्रावणकोर की देशी रियासत में हुई थी। त्रावणकोर अब केरल में आता है। यह पूरे भारत में मंदिर प्रवेश आंदोलनों का एक महत्वपूर्ण चरण था। इसके साथ ही यह निम्न जाति के हिंदुओं को वाइकोम महादेव मंदिर में प्रवेश करने की मनाही और उसके आसपास की सड़कों पर जाने से रोकने के खिलाफ शुरू किया गया था। चलिए अब इसकी पृष्ठभूमि के बारे में बात करते हैं। इस मुद्दे को सबसे पहले एजवा नेता टीके माधवन ने 1917 में अपने समाचार पत्र देशाभिमानी के संपादकीय में उजागर किया था। इसके अलावा 1923 में काकीनाडा में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन आयोजित हुआ था। इस अधिवेशन में केरल प्रांतीय कांग्रेस समिति ने अस्पृश्यता विरोधी मुद्दे को प्राथमिकता देने के लिए एक संकल्प पारित किया था। आइए अब सत्याग्रह के क्रम के बारे में विस्तार से जान लेते हैं। इस आंदोलन में सभी जातियों के लिए सार्वजनिक स्थानों तक समान पहुंच सुनिश्चित करने हेतु अहिंसक विरोध का मार्ग अपनाया गया था। इसके तहत अलग अलग समुदायों जैसे नायर, एजवा और पुलाया का प्रतिनिधित्व करने वाले 3 सत्याग्रहियों के समूह शांतिपूर्वक प्रतिबंध वाले क्षेत्रों में पहुंचे। गौरतलब है कि पहले समूह का नेतृत्व केशव मेनन ने किया था। इसके प्रमुख नेताओं की बात करें तो इसमें टीके माधवन, के किलप्पन जो केरल गांधी के नाम से प्रसिद्ध थे, केपी केशव मेनन और जॉर्ज जोसेफ शामिल थे। इसके साथ ही महात्मा गांधी, सी राजगोपालाचारी और ईवी रामासामी पेरियार ने अपना समर्थन व्यक्त करने के लिए वाइकोम का दौरा किया था। चलिए अब सत्याग्रह के प्रभाव के बारे में जान लेते हैं। यह आंदोलन जातिगत आधार पर एकता को बढ़ावा देते हुए 603 दिनों तक जारी रहा था। इसके अलावा मंदिर को घेरने वाली 4 सड़कों में से 3 को 1925 में सभी के लिए खोल दिया गया था। 1936 में त्रावणकोर के महाराजा ने एक मंदिर प्रवेश उद्घोषणा जारी की थी। इसमें हाशिए पर रही जातियों को मंदिर में प्रवेश की अनुमति दी गई थी। मंदिर प्रवेश से जुड़े अन्य आंदोलन की बात करें तो इसमें 1930 में शुरू हुआ कालाराम मंदिर प्रवेश आंदोलन शामिल है। इसे डॉक्टर B.R. आम्बेडकर ने शुरू किया था। इसके अलावा 1931 में शुरू हुआ गुरुवायूर सत्याग्रह जिसे के किलप्पन ने शुरू किया था। बढ़ते हैं आखिरी मुख्य खबर की तरफ। खाद्य और कृषि संगठन यानी FAO ने अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष के समापन समारोह का आयोजन किया। इस आयोजन में सतत विकास लक्ष्यों यानी SDGs को प्राप्त करने में मिलेट्स के महत्व और ग्लोबल सुपर फूड के रूप में इनके उभरने को रेखांकित किया गया। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में साल 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष के रूप में घोषित करने का प्रस्ताव किया था। चलिए सबसे पहले संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। इसे 1945 में स्थापित किया गया था। यह संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है।
यह भुखमरी को समाप्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों का नेतृत्व करती है। इसके कुल 195 सदस्य हैं। इसके सदस्यों में भारत सहित 194 देश और यूरोपीय संघ शामिल है। FAO द्वारा जारी की गई प्रमुख रिपोर्ट्स में कृषि और खाद्य सुरक्षा पर आपदाओं का प्रभाव और खाद्य और कृषि की स्थिति SOFA रिपोर्ट 2023 आदि शामिल है। चलिए खबर में आगे बढ़ते हैं और समझते हैं मिलेट्स के बारे में। भारतीय मिलेट्स पोषक तत्वों से भरपूर और सूखा सहिष्णु अनाजों का एक समूह है। इन्हें ज्यादातर भारत के शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में उगाया जाता है। इन्हें मोटा अनाज या गरीबों का अनाज के रूप में भी जाना जाता है। ये पोषण की दृष्टि से गेहूं और चावल से बेहतर है। भारत मिलेट्स का सबसे बड़ा उत्पादक है। इसके बाद नाइजर और चीन का स्थान है। इनके महत्व की बात करें तो इनकी खेती अलग अलग पारिस्थितिक दशाओं में भी की जा सकती है। मिलेट्स का ग्लाइसेमिक इंडेक्स यानी GI कम होता है, इसलिए ये मधुमेह की रोकथाम में सहायक है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स ये मापता है कि कोई खाद्य पदार्थ शरीर में कितनी जल्दी रक्त शर्करा या ग्लूकोज को बढ़ा सकता है। मिलेट्स आयरन, जिंक और कैल्शियम जैसे खनिजों के अच्छे स्रोत होते हैं। साथ ही ये ग्लूटेन मुक्त भी है। मिलेट्स को बढ़ावा देने के लिए भारत द्वारा शुरू की गई पहलों पर भी एक नजर डालते हैं। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने साल 2022-23 से साल 2026-27 के दौरान मिलेट्स आधारित उत्पादों हेतु खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन योजना लागू की है। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के पोषण अभियान के तहत मिलेट्स को भी शामिल किया गया है और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मिलेट्स को बढ़ावा देने के विशेष उद्देश्य से एक निर्यात संवर्धन मंच की स्थापना की गई है। चलिए बढ़ते हैं सुर्खियों में रहे व्यक्तित्व की तरफ। हमारे आज के व्यक्तित्व हैं श्याम जी कृष्ण वर्मा। प्रधानमंत्री ने क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी श्याम जी कृष्ण वर्मा की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इनका जन्म गुजरात के मांडवी में हुआ था। उन्होंने ब्रिटिश विरोधी गतिविधियों के प्रसार के लिए लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी और इंडिया हाउस की स्थापना की थी। उन्होंने द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट नामक अपनी पत्रिका में अपने लेखों के माध्यम से भारत की आजादी का प्रचार किया था। साल 1905 में इनर टेंपल नामक एक संस्था ने उन्हें वकालत करने से प्रतिबंधित कर दिया था। दरअसल औपनिवेशिक शासन के खिलाफ लिखने के कारण ब्रिटिश सरकार ने उन पर राजद्रोह का आरोप लगा दिया था। इस वजह से इनर टेंपल ने उन्हें प्रतिबंधित कर दिया था। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इनर टेंपल लंदन में बैरिस्टर्स के लिए एक पेशेवर संस्था थी। हम श्री श्याम जी कृष्ण वर्मा जी से देशभक्ति, निस्वार्थ सेवा जैसे जीवन मूल्य सीख सकते हैं। बुलेटिन के आखिर में अब रुख करते हैं आज की संक्षिप्त सुर्खियों की तरफ। पुडुचेरी का निर्वाचन विभाग इस केंद्र शासित प्रदेश के सभी 967 मतदान केंद्रों पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों में अंग्रेजी और तमिल में ब्रेल साइनेज प्रदान करेगा। तेलंगाना के मुख्यमंत्री पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में एक पूर्व मंत्री के खिलाफ 0 FIR दर्ज की गई है। इंटरनेट आर्कटिक और आसपास के क्षेत्रों पर केंद्रित अनुसंधान स्टेशनों के एक बड़े नेटवर्क की परियोजना है। ये अनुसंधान स्टेशन उत्तरी यूरोप, रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, ग्रीनलैंड, आइसलैंड, फरो द्वीप और स्कॉटलैंड सहित अलग अलग देशों में फैले हुए हैं। इस परियोजना को यूरोपीय संघ वित्त पोषित कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF बोर्ड ने मिस्र के लिए एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी यानी EFF सहायता को बढ़ाकर $8 बिलियन कर दिया है। मेघालय में सिकाडा की एक नई प्रजाति बटरफ्लाई सिकाडा की खोज की गई है। विशाल लहरों या स्वेल वेव से केरल के तटीय क्षेत्र जल प्लावित हो गए थे। 3 माह की अवधि में भारतीय दूतावास ने कंबोडिया में साइबर स्लेवरी में फंसे 75 भारतीयों को बचाया है। रूसी राष्ट्रपति ने पुष्टि की है कि यूक्रेन रूस युद्ध में 3M22 जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल किया गया था। जाने से पहले आपकी समझ की परीक्षा के लिए डालते हैं एक नजर हमारे स्पेशल सेगमेंट प्रश्नोत्तरी पर।
हमसे जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। उम्मीद है न्यूज टुडे का यह बुलेटिन आपको पसंद आया होगा। न्यूज टुडे की PDF को डाउनलोड करने के लिए और आज के क्विज के उत्तर के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कीजिए।